हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस गाड़ी को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको कराना है इस गाड़ी को फाइनेंस पे, तो आपको ईएमआई के दो प्लान क्या होंगे, ये सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस आपको 9,09,990 रुपये से देखने को मिल जाती है। वहीं आरटीओ अमाउंट पे करना होगा 74,899 रुपये। इंश्योरेंस अमाउंट के लगेंगे 44,211 रुपये। वहीं अदर चार्ज पे करना होगा 2100 रुपये। सभी टैक्सों को जोड़ने के बाद हमने ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 10,31,200 रुपये से 10,50,500 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको हर स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, तो बात इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 2,00,000 रुपये की, तो इसकी लोन अमाउंट आपको 8,31,200 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है। अगर आप कराते कंपनी या बैंक से फाइनेंस और रहते रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल यानी 60 महीने इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसके महीने की ईएमआई आपको 17,254 रुपये निकल के आएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे ईएमआई के पहले प्लान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया 6 साल के लिए। अगर आप कराते गाड़ी को फाइनेंस पे, तो आपको इसकी पर मंथ की ईएमआई 14,982 रुपये निकल के आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको नेक्सॉन स्मार्ट प्लस गाड़ी के कैश प्राइस और फाइनेंस के प्लान के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितनी डाउन पेमेंट में जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।